मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में एक चीज़ नोटिस करी है स्टूडेंट्स में हाउस में ऑफिस में काम करने वालों में एक ऑटो चलाने वाले में एक भिकारी में अधिकतर लोग ना अपने आप को अंडर यूटिलाइज करते हैं मतलब तो अपने आप को कम आँखते हैं हम पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं हमारी फिजिक अच्छी होती है लेकिन हम किसी स्पोर्ट्स में कुछ करते नहीं अच्छा दूसरी चीज़ ये नहीं सब करते नहीं हमें कंप्लेंट भी होती है आ, हम एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं घर में वो करते नहीं हैं तो मैं ना कुछ इनके कारणों पे जाना चाह जा रहा था कि ये ऐसा क्यों महसूस हुआ मुझे कुछ लॉजिक सामने आए ये एक तो पे पियर प्रेशर होता है कि यार अगर हम दुनिया से हट के काम करेंगे या तो अपने आप को बोलेंगे यार मैं तो इंटेलिजेंट हूँ मैं तो आईटी करना चाहता हूँ आई बनना चाहता हूँ तो पब्लिक क्या कहेगी पीयर प्रेशर सबसे ख़तरनाक चीज़ थी इसमें लोग क्या कहेंगे वाह एक होता खुद ही जान के बदतमीजी करते हैं कि नहीं यार एक काम करेंगे अपना बर्डन इस पर शिफ्ट कर देते हैं ये तो संभाल रहा है ना चीज़ें ये करेगा मैं क्यों करूँ अब एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ जा रही है वो उसको इसलिए लेके जा रही है कहीं पे कि कल को वो रास्ते में पानी पीना पड़े बच्चे को कहीं कुछ खिलाना पड़े तो ये संभाल लेगा तो हम अपने आप को ही अंडर रेट कर देते हैं हम अपनी लर्निंग छोड़ देते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स हम लॉन्ग टर्म सोचते नहीं हैं इतना छोटा सोचते हैं कि बस यार ये जो छोटी सी चीज़ें ये मेरे हाथ में आ जाए ये हो जाए ये हो जाए लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो कुछ होगा ना खुद ही छोटी चीज़ों पे मतलब जैसे टुचपना कहते हैं उन चीज़ों पे रहते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है सबसे बड़ा फैक्टर मैंने जो अभी नोटिस करा एटलीस्ट जो अब बिल्कुल नई जनरेशन में है या पुराने लोगों में है खामा खा की स्मार्टनेस देख मतलब ये कहते नहीं है ये सिर्फ दिखाते देख मैं तो इतना स्मार्ट हूँ ना देख मैंने तो जल्दी तुझसे तो स्टेप ले लिया मुझे तुझे पता था रिलेशनशिप टूटने का सबसे बड़ा कारण यही होता देख मैंने तो पहले चीज अपॉर्चुनिटी ग्रैप कर ली जो खामा के मारने से ये भी बहुत बहुत ख़तरनाक है आज के टाइम में और होता क्या है अब रीजंस हैं कि आपको एक्सपोजर मिलता नहीं है जब तक आपको एक्सपोजर नहीं मिलता नई चीज़ें सीखते नहीं हो आप वहीं कुएँ के मेंढक बने बैठे हो आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा ना अपनी स्ट्रेंथ का बताना बहुत ज़रूरी है अब मैं इस चीज़ पर आता हूँ कि अगर ऐसा ना करते अपना आप को काम ना आँखते तो हमने क्या पाया होता अगर हमने कम नहीं आका होता और हमने लेवल पे ही होता मतलब मैं ये नहीं कह रहा मेरी बहुत बॉडी बन जाती है मैं आई बन चुका होता मैंने ये चीज़ें ना करके छोटी चीज़ें ना करी होती ना तो मैं फार बेटर परफॉर्मेंस दे पाता सबसे ख़तरनाक चीज़ है अपने आप को कम आँखना सबसे डेंजरस प्लीज़ मैं ये नहीं कह रहा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और कॉन्फिडेंट पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और लगभग यही होंगे लेकिन अंडर यूटिलाइजेशन क्योंकि मैंने अपने आसपास ये नोटिस करा हमने अपने को दबा रखा कुछ समाज ने दबाया कुछ घर वालों ने दबाया कुछ दोस्तों ने और सबसे ज्यादा हम थे उसको अपने आप में दबाने वाले मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में एक चीज़ नोटिस करी है स्टूडेंट्स में हाउस में ऑफिस में काम करने वालों में एक ऑटो चलाने वाले में एक भिखारी में अधिकतर लोग ना अपने आप को अंडर यूटिलाइज करते हैं मतलब अपने आप को कम आंकते हैं हम पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन हम करते नहीं है हमारी फिजिक अच्छी होती है लेकिन हम किसी स्पोर्ट्स